भारतीय हेयर स्टाइलिस्ट दौरा पाकिस्तान के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान के दावत नामे की मुंतज़िर हैं। तफसीलात के मुताबिक माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में सेलिब्रिटी हेयर स्टाइलिस्ट सपना भोनानी ने इमरान खान को मुखातिब किया और कहा कि इमरान खान साहब, मैं भारत से ताल्लुक़ रखने वाली एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म साज हूँ। मैंने पाकिस्तान के सूबा सिंध पर सिंधिस्तान के नाम से एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, लेकिन जब मैंने सिंध जाने के लिए वीज़ा अप्लाई किया तो मेरा वीज़ा दो मरतबा मुस्तरद किया गया। लेकिन मैंने सुना है कि आप मुख्तलिफ हैं और अमन चाहते हैं, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? बराए मेहरबानी मुझे और मेरी फिल्म को सिंध आने की दावत दें, ये मेरा ख्वाब है। ख्याल रहे कि ट्विटर पेज सिंधिस्तान के मुताबिक ये डॉक्यूमेंट्री सिंध में बड़ी तादाद में हिजरत करके आने वालों के गिर्द घूमती है। सपना के इस ट्वीट पर पाकिस्तानियों ने भी उनके इस आइडिया का खैर मकदम किया और कहा कि हमारे लिए सिंध पाकिस्तान का हिस्सा है, आप अपने दौरा पाकिस्तान की मनसूबा बंदी करें, इंशाल्लाह आपको पाकिस्तान के चारों सूबों में खुश आमदीद कहा जाएगा। जबकि ट्विटर पर सपना के लिए एक ट्रेंड वेलकम टू सिंध सपना भी मुतारिफ करवाया गया। ट्विटर सार्फीन का कहना था कि हम इस ट्रेंड को मकबूल करते हैं और हमसाया मुल्क की फिल्म साज खातून को पाकिस्तान आने में मदद करते हैं। जबकि एक सारिफ ने भारतीय फिल्म साज के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए कहा कि उनके ट्वीट में नहायत ईमानदारी है, उम्मीद करता हूं कि एक दिन आपके सारे ख्वाब पूरे होंगे। वाज़ह रहे कि सपना बिग बॉस शो का हिस्सा भी रह चुकी हैं।